तो आज दोस्तों 23 तारीख है सितंबर की। तो देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर लगे हुए हैं यहाँ पे, कॉसमोस के बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों थोड़ा सा गार्डन में काम करना था, भैया आपके साथ शेयर करें। और मेरा एक प्लांट है जो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है और अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसी को रिपोर्टिंग करनी थी। और काफ़ी टाइम से उसमें लगा हुआ है और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर और इसमें कितने सारे सीड बन रहे हैं। और ये जहाँ जहाँ गिरते हैं दोस्तों तो प्लांट निकल आते हैं। तो दोस्तों मुझे जो रिपोर्टिंग करनी है दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इसमें ये कॉप्सकॉम का प्लांट निकल आया है और देखिए कितना बड़ा है। बट ये मुझे इसको नहीं रखना है क्योंकि इसके फ्लावर ऐसे लंबे लंबे रहते हैं, अच्छे लगते हैं, बट मेरा ये प्लांट ख़राब हो रहा है इस चक्कर में, तो इसको मैं कहीं अलग लगा दूँगी। और ये मेरा देखिए मधुकामनी का प्लांट एकदम कैसा हो रहा है, और इसकी पत्तियां तो झड़ गई हैं दोस्तों, बट पत्तियां तो आ जाएंगी लेकिन ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो मैं इसी को थोड़ा सा इसमें खाद पानी देती हूँ ताकि ये अच्छे से सर्वाइव कर सके अपने आप को। और मेरा एक ये प्लांट है अलमांडा का, तो इसमें भी दोस्तों ये निकला है कॉप्सकॉम, तो इसमें पूरा न्यूट्रिशन ले ले लेते हैं और प्लांट के, तो ये मेरा प्लांट अच्छे से नहीं ग्रोथ कर पा रहा है। और पहले तो मुझे इसका काम करना है दोस्तों, इसको अलग करना है और इसकी मिट्टी चेंज करना है, थोड़े से रूट बाउंड भी हो गया होगा तो उसको भी थोड़ा हम निकाल के सही करते हैं। और ये काम मुझे बहुत दिनों से करना था बट टाइम ही नहीं मिल पाया दोस्तों करने के लिए, तो आज मैं सोचती हूँ कि इसको कर लिया जाए। और अभी सुबह का टाइम है, 7:30 बजे हैं लेकिन धूप हो रही है और थोड़ी सी सफाइयाँ भी करनी है। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी भी पड़ी है, तो ये सब वेस्ट मैं ऐसे ही गमलों में भरूंगी। और इसमें मिट्टी में मेरी पुराने गमलों की मिट्टी है तो इसमें थोड़ी सी मैं खाद मिला देती हूँ, गोबर खाद तो थोड़ी सी पड़ी है उसमें मिला देती हूँ। और फिर मैं इसको निकाल के देखिए मुझे पूरा इसको प्लांट को निकालना है। ये देखिए ऐसे निकल के गया है, रूट बाउंड भी नहीं है बट फिर भी अच्छे से नहीं हो रहा ये, तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। और इसमें देखिए दो तुलसी की भी निकली हुई हैं और इसमें ये मेरा क्या बोलते हैं इसको 12 मासी बोलते हैं बिन का बोलते हैं, वो निकल रहा है। और इसमें सीड पॉड बनते रहते हैं तो वो उसको हर गमले में निकल जाते हैं। और मैं इसको अलग करती हूँ और यहाँ पर एक प्लांट भी निकल रहा है ये देखिए, तो ग्लाडिया का ऐसा है, तो ग्लाडिया को उसको अलग लगा देंगे। और हम इसको भी निकाल देते हैं कि ये मेरे गार्डन में बहुत हो जाते हैं, तो हम दोस्तों इसको हम अलग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें सारा ये थोड़ा भर दिया है वेस्ट, सब सूखे उखे जो प्लांट रहते हैं वो भर दिए। और इसमें मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई है, बस थोड़ा सा फंगिसाइड डाल दिया है, तो हम इसको मिट्टी डालते हैं थोड़ा सा। कोई भी जो दोस्तों गमले में आपका प्लांट लगा हो तो आप उसको एक दो साल में रिपोर्ट कर दिया करें। ये देखिए तो मैंने इसको पूरा क्लीन कर दिया है और इसमें अब कोई दूसरा प्लांट नहीं लगा है, तो कुछ ही दिनों में ये अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा और जो नीचे हमने वेस्ट भरा है वो सब बैठ जाएगा धीरे धीरे। तो मिट्टी फिल कर देते हैं तो इससे दोस्तों मिट्टी भी कम लगती है और हमारे जो गार्डन का वेस्ट होता है सारा तो वो भी यूज़ हो जाता है। इस तरह से अगर आप गमले फिल करेंगे तो दोस्तों प्लांट भी अच्छे चलते हैं और प्लांट्स को जो नीचे से सारा पोषण मिलते रहते हैं प्लांट से, क्योंकि जो हमने नीचे भर दिया है सारा तो वो भी कंपोस्ट होगा धीरे धीरे और प्लांट्स की रूट्स इनको खींच लेंगी, तो ये प्लांट्स भी अच्छे से हो जाएगा। अब सर थक गए तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा दोस्तों मेहनत हो जाती है गार्डन के काम में। तो हम इकट्ठा काम नहीं करते हैं, जब हमें थोड़ा टाइम मिलता है तो हमें एक या दो गमले ऐसे ही रिपोर्ट करते हैं।
और थोड़ी सी सफाई भी करनी है दोस्तों, बहुत फैल गया है सब जगह, इसकी भी सफाई करनी है। बहुत सारे प्लांट्स भी निकल रहे हैं तो उनको भी सही से लगाना है। बहुत काम रहते हैं दोस्तों गार्डन में, एक ही दिन में काम कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम कुछ कुछ काम करते हैं और ऐसा टाइम टाइम बाद काम करते हैं, इकट्ठा काम नहीं फैलाते। तो ये देखिए हमारा ये गमला रिपोर्ट हो गया है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। और इसको हमें सीड में रखना है, और अगर सीड नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही रख सकते हैं प्लांट्स के पास, जहाँ आपके और प्लांट्स लगे हो वहाँ पर आप रख दीजिए। ये कुछ ही दिनों में अच्छे से ये बहुत अच्छा हो जाएगा प्लांट। तो ये जो हमारे इसके सूख रही हैं ब्रांचेस, इसको हम निकाल देते हैं। बहुत अच्छे इसमें फूल आते हैं, बहुत ही प्यारे, खुशबू अच्छी आती है इसकी। तो हमारा मधुकामनी का प्लांट रिपोर्ट हो गया है दोस्तों। तो बाय दोस्तों, वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलो बाय।